चेन्नई सुपर किंग्स के जीत पर तमिलनाडु के दिग्गज बीजेपी नेता ने दे दिया ऐसा बयान, मच गया हंगामा। तमिलनाडु पार्टी अध्यक्ष अन्नामलाई का दावा, बीजेपी की वजह से फाइनल जीत पाई चेन्नई सुपर किंग्स। तमिलनाडु पार्टी का अध्यक्ष का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा, लोग जमकर कर रहे ट्रोल। जानिए आखिर क्यों तमिलनाडु बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष ने दिया ऐसा बयान, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई के एक बयान ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। चेन्नई की जीत के बाद अन्नामलाई के एक पोस्ट से चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल फाइनल मुकाबले में हरा दिया, अब भला इसमें बीजेपी का क्या रोल हो सकता है? बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में बीजेपी का अहम योगदान है। सोशल मीडिया पर उनके इस पोस्ट के बाद हंगामा मच गया, लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। लेकिन जरा ठहर जाइए, हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे कि आखिर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष ने ऐसा बयान क्यों दिया कि सुनकर आपका माथा भी चकरा जाएगा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार आईपीएल विजेता बनने पर बधाई दी। उन्होंने रविंद्र जाडेजा को जीत का श्रेय देते हुए उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता बताया। अन्नामलाई ने कहा कि सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने सीएसके को जीत दिलाने में मदद की। आईपीएल फाइनल के एक दिन बाद तमिलनाडु बीजेपी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अन्नामलाई का बयान कोट करते हुए ट्वीट किया। इसमें अन्नामलाई के हवाले से कहा गया, क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा बीजेपी कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी रिवाबा जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं, वो एक गुजराती हैं, ये बीजेपी वर्कर जाडेजा ही थे जिन्होंने सीएसके को जीत दिलाई। तमिलनाडु बीजेपी का ये ट्वीट तमिल भाषा में किया गया। अन्नामलाई का ये रिएक्शन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के मद्देनजर आया, जिसमें सीएसके की जीत को गुजरात मॉडल पर द्रविड़ मॉडल की जीत बताकर बीजेपी पर तंज किया गया था। एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें गर्व है कि सीएसके ने गेम जीता, लोगों को गुजरात टाइटंस का भी जश्न मनाना चाहिए क्योंकि उनके पास सीएसके से अधिक तमिल है। अन्नामलाई ने कहा कि 96 रन एक तमिलियन ने बनाए थे, वो साइंस दर्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें उसका भी जश्न मनाना चाहिए, लेकिन हम अभी भी धोनी की वजह से जश्न मनाते हैं। हमें गर्व है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने विजयी रन बनाए। अन्नामलाई की ये वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जाडेजा ने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन की है या नहीं, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2019 में बीजेपी का समर्थन किया था। पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी रिवाबा ने चुनाव लड़ा और जाडेजा उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए थे। इससे पहले धोनी और जाडेजा को लेकर कुछ भी अफवाह उड़ी थी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसकी वजह भी सोशल मीडिया पर बताई जा रही थी। बीते सीजन रविंद्र जाडेजा से चेन्नई की कप्तानी वापस लेकर माही को सौंप दी गई थी और तभी से दोनों खिलाड़ियों के बीच मीडिया का एक वर्ग अनबन की खबरें फैला रहा था। रविंद्र जाडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच मनमुटाव की आशंका जता रहा था। रविंद्र जाडेजा ने अपने बयान से ऐसी बातें करने वालों को करारा जवाब दिया। जड्डू ने अपने माही की खातिर आईपीएल जीतने के लिए मेहनत बेहिसाब किया। गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स से कहीं मजबूत टीम थी, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सब में जीती भारी थी। अगर उसे पस्त करना था तो महेंद्र सिंह धोनी के सबसे बड़े सेनानी का बल्ले और गेंद से गदर मचाना जरूरी था।